हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है। आज का नया टॉपिक है हाउस बॉय वर्क। जी हाँ, कुवैत देश में हाउस बॉय जॉब्स कैसे सिस्टम है उसका, और कैसे जॉब्स के तहत आप वर्क करेंगे, यानी कुवैत में हाउस बॉय का वर्क की डिटेल क्या है। और बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये हाउस बॉय है क्या। दरअसल अब हाउस बॉय को यहाँ कुवैत में हारिस भी बोलते हैं। अब इसकी कई एक कैटेगरी है, एक हाउस बॉय यानी कि घर में है, एक ऑफिस बॉय यानी कि ऑफिस में है, और एक कंस्ट्रक्शन पे एक हारिस अपॉइंट किया जाता है, उसको भी हारिस बोलते हैं। आप उसको भी बोल सकते हैं हाउस बॉय बोल सकते हैं, या आप हारिस बोल सकते हैं। तो मैं तीनों कैटेगरी के हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, और इन फ्यूचर आप आ रहे हो इस वीजे के तहत तो आपको बहुत सटीक जानकारी मिल जाएगी, और किसमें कितनी सैलरी और कैसे क्या हिसाब किताब है आपको बखूबी इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कुवैत देश से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों से छूट ना जाए। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जानिए कि कुवैत में हाउस बॉय की जॉब का वर्क क्या है। अब यहां पर कुवैत में जो भी हाउस बॉय में आता है उसको काम दरअसल क्या करना पड़ता है। अब आप काम जान जाओगे तो आप कभी परेशान नहीं होगे। दरअसल बहुत से लोग इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से अगर किसी हाउस बॉय जॉब्स में आते हैं तो उनको जो काम इंडिया में या पाकिस्तान, नेपाल में नहीं किया है, वो जब काम इनको करना पड़ता है तो इसके तहत वो बौखला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, और बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना भी उनके साथ मामला होता है और करना पड़ता है। एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज्यादा हरासमेंट हो जाते हैं, और जो काम नहीं किया वो भी करना पड़ रहा है। अब दरअसल अगर आप काम पहले जान जाएंगे तो नो डाउट आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और उसी हिसाब से आप उस जॉब के तहत आ सकेंगे। कुवैत हाउस बॉय जॉब में आपको मैं सबसे ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, शॉर्टकट में बताऊंगा, क्योंकि बहुत चीज़ें एक सेफ्टी के तहत बताना चाहिए आपको। मैं बता रहा हूँ सिर्फ हाउस बॉय में 2 घंटे का काम है, और 2 घंटे के काम में आप 25 से 30 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। अब ये 2 घंटे का काम बहुत ही आसान लगता है लोगों को, बहुत से लोगों को बहुत ही टफ लगता है। अब हारिस के काम से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी, हारिस इंटरव्यू, कुवैत ड्राइवर्स इंटरव्यू। आप डालेंगे इस तरीके से तो या प्लेलिस्ट में जाएंगे, ड्राइवर्स इंटरव्यू में आप जाकर के उसको देख सकेंगे। सिर्फ सुबह के 2 घंटे और शाम के 1-2 घंटे काम करके आप पूरी सैलरी गेन कर सकते हैं। हाउस बॉय की जॉब हमारे हिसाब से बहुत ही सेफ्टी और सिक्योर और बहुत ही आरामदायक है। बहुत से लोगों को ये लफ्ज हजम नहीं होगा, क्योंकि सबके घर सेम नहीं होते। यहाँ पे कफील का जो घर का एटीट्यूड है, जो घर के लोग हैं, उनका सिस्टम है, वो उसका एक सेम नहीं होता है। किसी को आराम, किसी को आराम नहीं मिलता। फिलहाल चलिए जान लेते हैं कुवैत हाउस बॉय का एक्चुअली में वर्क क्या है। अब देखिए, सबसे पहले एक हाउस बॉय सुबह उठता है तो सुबह उठने से पहले उसको यह पता होना चाहिए कि मेरे बॉस, मेरा कफील कब ऑफिस जा रहा है और कब घर के लोग जा रहे हैं, गाड़ी की क्या पोजीशन है। तो सबसे पहले उसको सुबह उठ करके अपनी और कफील की और जो भी उनके फैमिलीज में होती है उनकी गाड़ी को धुलना, साफ करना, और बाहर से क्लीन करना, शीशा वगैरह एकदम क्लीन करना। बहुत से कफील के घर वाले बोलते हैं 1 डे क्लीन करो, 1 डे गैप करो, यानी कि आज क्लीन किया, कल नहीं क्लीन किया, परसों किया। बहुत से लोग वीकली क्लीन करवाते हैं और बहुत से लोग पर डे क्लीन करवाते हैं। तो हारिस हाउस बॉय जॉब में जब आप आएंगे तो आपको सबसे पहले गाड़ी क्लीन करना है, इसके बाद जो आपका रूम है उस रूम की साफ सफाई, रूम के बाहर निकलने उसकी साफ सफाई, इसके बाद जो भी उनका लॉन है यानी गलियारा है, लॉन है, थोड़ा से दरवाजे में जैसे होता नहीं ना कि आंगन टाइप का, उसको साफ़ करना है। पानी मार के आपने उसको धुल दिया, वाइपर से पानी साफ कर दिया। इसके बाद फूल फुलवारी, अगर फूल का शौकीन है कोई थी कफील है, या घर में 1-2 पेड़ खजूर के हैं, उसको पानी वगैरह दे दिया। तो आपका हारिस का जो काम है, घर की क्लीनिंग करना, गाड़ी की क्लीनिंग करना, हदीके में, हदीका बोलते हैं यहाँ बगीचे को, यानी कि हदीका जो भी पेड़ पत्ती लगाए रहते उसे हदीका बोलते हैं, हदीके में पानी देना, और जो भी नए पेड़ आएंगे यानी कफील लेके आए उसको लगा देना, और पुराने पेड़ सूख गए उसको फेंक देना, यानी कि घर से रिलेटेड ये थोड़े से काम 1-2 घंटा करना पड़ता है। इसके बाद फिर आपसे कुछ कफील्स बोल सकते हैं कि आप जाकर के जमैया से कुछ भी सब्जी वगैरह ला दो, या आप कोई सामान ला दो। तो होता है क्या, शुरुआत में तो बंदे को पता नहीं होता कि क्या लाना क्या है, क्या कैसे क्या हिसाब किताब होगा। तो इसके तहत जो है
उस बंदे से ये फ़ोटो भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, ये फ़ोटो देख करके जमैया से ले आओ। बहुत से हारिस वगैरह को तो एक पूरी लिस्ट अरबी में पकड़ा दी जाती है, बोलते हैं कि जाके जमैया में दो, जमैया में जो भी वर्कर्स हैं वो आपकी हेल्प कर देंगे, उनको नूस दिनार रूबा दिनार आप दे देना, तो वो आपको बोल करके देते हैं और उस तरीके से आप सारा सामान ला सकते हैं। तो आपको सामान कुछ लाना पड़ता, लेकिन बहुत से कफील्स नहीं मंगाते, अपना खुद परचेसिंग करते हैं, आपका सिर्फ घर का काम होता है, और शुरुआत में तो आपसे नहीं मंगाते, जब आपको जानकारी हो जाती तो आपसे वो मंगाते हैं। तो हारिस का जो काम है हाउस बॉय में, घर की क्लीनिंग और इसके बाद गाड़ी क्लीनिंग करना, उसके बाद फिर जो है आप जो हैं जमैया वगैरह का थोड़ा बहुत काम करना, या रोटी वगैरह लाना है। इसके अलावा जब शाम होती है तो शाम में बहुत से कफील के घर में एक दीवानिया होती है, दीवानिया मतलब एक रूम होता है, वहाँ पे सोफे लगे होते हैं, कफील के रिलेटिव हैं, दोस्त यार हैं, आके बैठते हैं, हुक्का है, पानी है, अपना सिगरेट है, जो भी पीते खाते हो, इसके बाद उनको चाय बना करके देना होती है। अब आपको चाय बनाने का सिस्टम यहीं पर वैसे ही है, गर्म पानी करो और डिप डालो, बन गई चाय। तो चाय बनाने का तरीका भी आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा, और तो चाय बना करके उनके आगे सर्व करनी पड़ती है। और बहुत से लोग ये होते हैं कि भाई सर्व हमने किया, और बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि सर्विंग उनके साथ होती नहीं ना, और बहुत ज़्यादा खुशामद भी नहीं कर पाते, बाबा ये बाबा वो बाबा वो, थोड़ा एटीट्यूड में रहते हैं, या वो उन्होंने कभी किया नहीं, थोड़ा सा उनको ख़राब लगता है। लेकिन दरअसल जिनके घर में दीवानियाँ नहीं होती, वो दो घंटा काम करके जो जो काम बताए इसके बाद वो फ्री होते हैं, दिन भर इंजॉय करते हैं, घर परिवार वालों से बात और मूवी वगैरह देख करके अपना टाइम काटते हैं। इसके अलावा कुवैत देश में अगर आप हाउस बॉय के जॉब के हिसाब से आ रहे हैं, और आपको ये दीवानिया के काम में आप फंसे हैं, या आप सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही है, तो भाई परेशान ना हो, इसी दीवानिया से आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो फ़ायदा ऐसे होगा, आपको टिप भी मिलेगी, पता चला कि दीवानिया हो रहा है, आपको दो चार पाँच दिनार मिल गए। अगर हम मान के चले कि आपको दो दिनार भी आपको पर डे मिल जा रहे हैं, किसी किसी के यहाँ पर डे दीवानिया होती, किसी के यहाँ जुम्मे को दीवानिया होती, किसी के यहाँ गैप करके होती, किसी के 15 दिन पे दीवानियां होती है। ये अपना एक तरीका है कि जिस तरीके से अपने दोस्त यार को बुला सके उसी तरीके से, लेकिन वो टिप आपको मिल जाती है। किसी को मतलब कि शाम को या पर डे दीवानियां हो रही, तो उनको दो चार पांच दिनार तो मिल जाता है। तो सैलरी से जो डबल इनकम आपकी दीवानियां से हो जाती है। इसके बाद दीवानियां से आपको वीजा वगैरह भी बहुत सा मिलता है, वीजे में आपको गिफ्ट वगैरह भी मिलता है। गिफ्ट का मतलब होता है कफील ने आपको 200-300-400 दिनार दे दिया कि मुझे ये आदमी चाहिए, तो जो आप आदमी मंगवाते हो, वीजा निकालते हो, उसका पैसा मिल जाता है। तो दीवानिया में हाउस बॉय में इस तरीके से लोग भाई लाखों रुपया इनकम कर लेते हैं, ज़्यादा यानी कि सैलरी से डबल तिबल भी इनकम कर लेते हैं। लोगों को हजम नहीं होगा, लेकिन भाई जब टेक्निकली जब आप यहाँ आओगे और देखोगे तो परेशान होने की ज़रूरत ही ना, पैसा कमाने आए हो, पैसा देखो, पैसा ही सिस्टम है आपका सिर्फ, और सब पैसा ही सब कुछ है। तो आप पैसा तलाश करो, पैसे की इनकम कैसे होगी, बहुत सारी वीडियोज़ इससे रिलेटेड मैंने बनाई है, वो जाके देखिए। इसके बाद हारिस जो यहाँ पे होते हैं आपके हाउस बॉय में हैं, तो आपको ये बता दिया। इसके बाद ऑफिस बॉय में, तो ऑफिस में चाय गहवा वगैरह ये पिलाइए, उसके बाद फिर जो है थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह कर दीजिए। उसके बाद एक हारिस होते हैं बिल्डिंग्स में, यानी कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में होता है, इसे सुपरवाइज़र बोलते हैं, उन्हें भी हाउस हारिस बोल जाते हैं, एक तरीके से हारिस बोलते हैं। तो उनमें क्या सीमेंट कितनी आई इससे, और कितना बालू मोरंग आया और क्या है, और कितनी सरिया आई, और कौन सा कफील जो है आया था, कौन सा ठेकेदार आया था, काम कौन सा शुरू हुआ, टाइल्स का काम शुरू हुआ कि नहीं शुरू हुआ, कहां तक काम पहुंचा, फोटो खींच के भेजना, वीडियो बना के भेजना कफील को। कफील बीच में आता है, चेक करता है, वहां पर भी आपको खेमा दे दिया जाता है। बहुत से लोग केयर भी देते हैं, यानी कि टी शर्ट की एक दुकान टाइप का, एक शॉप टाइप की आपका घर होता है, उसी में सब कुछ होता है, तो उसी में आपको रहना खाना गैस वगैरह सब कफील इंतजाम करके देता है, आपको सैलरी भी देता है। अच्छा, वहां से भी बहुत ज्यादा इनकम होती है, लेकिन वो कैसे होता है उसकी डिटेल मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो चैनल के लोगों पर जाके क्लिक करिए और देखिए उस वीडियो को और समझिए वो क्या है। तो ये हाउस बॉय वर्क की एक स्टोरी थी छोटी सी, जो मैंने आपको बतलाया कि अगर आप कोई देश में आते हैं तो इन इन तरीक़ों से आपको काम करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।